साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस ने साजिश के तहत एससी एसटी ओबीसी समाज को हर प्रकार से पीछे रखा। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति को खत्म किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित रखा। जब बीजेपी के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। जब 2014 में एनडीए सरकार बनी तो एक दलित मां के बेटे भारत के राष्ट्रपति बने। जब 2019 में फिर एनडीए सरकार बनी तो एक आदिवासी मां की बेटी पहली बार देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति बनी। एनडीए सरकार में हमने रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी समाज से मंत्री बनाए। साथियों, ये एनडीए सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। ये एनडीए सरकार है जिसने मेडिकल की पढ़ाई में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया। एनडीए सरकार थी जिसने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया। 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा है। एनडीए सरकार की नीतियों के कारण ही स्कूल कॉलेज में एससी एसटी ओबीसी युवाओं का नामांकन बहुत अधिक बढ़ा है। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास का हमारा ये मंत्र संविधान की सच्ची भावना है। लेकिन परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की इस भावना का अपमान किया। सामाजिक न्याय का झूठ बोलकर ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते रहे हैं।